हरियाणा के नूह में जो हुआ उसने हरियाणा की कानून व्यवस्था की सच्चाई को सामने रख दिया है। उसने ये भी बता दिया है कि बेखौफ बदमाशों के हौसले किस कदर उनके डंपर के चक्के के माफिक नाच रहे हैं। नूह पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को पकड़ा है, FIR भी दर्ज हुई है। जो सामने आया उसके मुताबिक DSP सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में SHO थाना सदर तावड़ू, ASI संजय कुमार, अंगरक्षक उमेश कुमार और गाड़ी ड्राइवर सरकारी गाड़ी से अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे। पंचगांव की पहाड़ी पर एक डंपर अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर लेकर जा रहा था। FIR में साथी पुलिस कर्मियों का बयान है कि हम नजदीक पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमें तमंचे दिखाए। एक शख्स ने कहा कि आज पुलिस वालों को सबक सिखा दो। ड्राइवर ने अचानक हमारी गाड़ी की तरफ डंपर बढ़ा दिया। हम लोगों ने तुरंत छलांग लगाकर जान बचाई। वो दादा कर रहे थे तो वीडियो कॉल किया था, पापा ने नहीं उठाया। फिर पापा का फोन है 11 बजे, तुमने फोन किया था तो पापा ने, मम्मी ने बोला कि ऐसे किया था मैंने, तो बस ये बच्चे बोल रहे थे इसलिए। कहते नहीं तूने ऐसे तो नहीं किया होगा। नहीं नहीं मैंने सच में ऐसे ही किया था, मम्मी ने बोला। फिर पापा ने चल ठीक है फिर रख दिया क्योंकि शायद वो कहीं बाहर। उसके बाद हमें नहीं पता, उसके बाद घर पे पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया मम्मी को। ड्राइवर ने तेजी से ट्रक पुलिस की गाड़ी की तरफ चढ़ा दिया। दो लोगों ने तो कूद कर जान बचा ली लेकिन DSP सुरेंद्र बिश्नोई नहीं बच पाए। किसी इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद DSP जब वहां पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस डंपर में करीब 3 से 4 लोग थे और उनमें से जब डंपर में स्टाफ जो उनका था DSP का, वो यहां पर इस दरवाजे की तरफ जो क्लीनर का साइड है जहां पर इक्कर बैठा था बताया जा सकता है, क्योंकि इक्कर और मित्तर दो की पहचान हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो यहां पर पहुंचते हैं तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जिन्होंने तमंचा दिखाया और तुरंत यहां से हट जाने के लिए कहा। अब यहां से कुछ ऐसे सुराग भी सामने आए हैं जिन्हें पुलिस की तफ्तीश में तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर है वो कहीं ना कहीं पुलिस की ही लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 1, ट्रक नंबर प्लेट नहीं, मालिक का पता नहीं। नंबर 2, आरोपी ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार, असल खनन माफिया कौन है। नंबर 3, FIR ट्रक मालिक के नाम नहीं, ड्राइवर क्लीनर का आका कौन। जो आप देखिए सामने का ये नंबर प्लेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का नंबर लिखा हुआ आएगा जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। H भी कंप्लीट नहीं है, R74A, इसके अलावा नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके से FIR में दर्ज है, जो DSP का पर्सनल स्टाफ उनका कहना है कि आगे वाली नंबर प्लेट पे इतना नंबर लिखा हुआ था, हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। उस FIR में ये भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डंपर को स्पॉट किया था उस जगह पर इस डंपर में कि इसमें पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं और डंपर के पिछले आप देखिए दोनों जो आप देख रहे हैं जहां पर नंबर होने चाहिए थे वहां पर किस तरीके की तख्ती लगी है, कोई नंबर प्लेट यहां पर नहीं है। लेकिन यहां कई सवाल खड़े होते हैं, मसलन इससे पहले भी इलाके में अवैध खनन होता रहा है, किस सूत्र ने DSP को क्या जानकारी दी थी, क्या अवैध खनन के बारे में किसी ने सूचना दी थी या फिर रैंडम रेट के जरिए पता चला था कि अवैध खनन हो रहा है, कैसे डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जब डंपर चालक फरार हो रहा था तो DSP के साथ आया अन्य स्टाफ क्या कर रहा था, बाद में कैसे डंपर चालक पकड़ा गया, डंपर में कितने लोग सवार थे, इस घटना का सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, जब डंपर चालक फरार हो रहा था उस वक्त DSP के साथ मौजूद स्टाफ ने गोलियां क्यों नहीं चलाई, अगर चलाई तो क्या ये मिस फायर थे। ये बात कही जा रही है कि डंपर चालक ने डंपर से पत्थरों को अनलोड किया फिर फरार हुआ, क्या ये संभव है। ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस खोजने में लगी है, उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। इन्वेस्टिगेशन एंड एज व्हाट आई नो एज सो फार दिस दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन फॉर देयर ओन इकोनॉमिक गेन्स एंड इन इंडिपेंडेंट विलेजेस देयर इज नो वन सिंडिकेट दैट इज कंट्रोलिंग दिस थिंग and because of this unorganized nature it is difficult to catch them all। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर का पीछा किया, पुलिस की तरफ से सामने आई ये तमाम सफाई भी पुलिस की झोल खाती कहानी का एक हिस्सा भर है, लेकिन असलियत क्या है अभी इस पर कई सवाल है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नू आज तक।